हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीएस के सारे के सारे सेट के आंसर की देखेंगे, ए बी और डी और ई सारे के सारे सबसेट के आंसर की विद यहां पर प्रूफ देखेंगे। आप चाहें तो यहां पर मिला लीजिएगा ऑफिशियल से भी, हमने अपने सारे फैक्ट चेक कर लिए हैं। और अगर तो कोई गलती होती है ऑफिशियल आंसर की में भी, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको क्लेम करना चाहिए। तो इसमें जीएस के जितने भी सेट हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर के 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, तो उनकी यहाँ पर आंसर की हम लोग देख लेते हैं मोस्ट एक्यूरेट। आप चाहें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ प्री की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 13 अक्टूबर से शुरू होगा। काफ़ी लोग एडमिशन ले चुके हैं, आप एडमिशन लेने के लिए इन दो नंबरों को प्रीफर करिएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। सेट नंबर ई का सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य का सचिवालय भवन है? इसको राइटर्स ही बोलते हैं, केवल बिल्डिंग नहीं लगाते वहाँ पर। यह है पश्चिम बंगाल सरकार का सेक्रेटरिएट, ऑप्शन नंबर सी। इसके कभी कभी आर्किटेक्ट का नाम पूछ सकते हैं। स्टैटिक जी के काफ़ी पूछा गया था, जबकि हमको ऐसा उम्मीद थी कि करंट अफेयर पूछा जाएगा और कोर जीएस। तो इसके आर्किटेक्ट हैं थॉमस लायन, तो ये ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे बसा है? एक और स्टैटिक क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। अजरबैजान जो कभी कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में उसकी राजधानी क्या है? तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सम्मिट यहाँ पर हुई थी, हमने आपको बताया था इसकी कैपिटल है बाकू। और कभी भी कोई सम्मिट होती है कहीं पर किसी कंट्री में, तो उसकी कैपिटल का नाम हम लोग जरूर आपको बताते रहते हैं। और कैपिटल वही पूछी जाती है जो एकदम से मतलब न्यूज़ में रहती है, ऐसी नहीं कि कोई छुपा हुआ पूछ लें देश। अगला है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसे गणित का नोबल कहा जाता है? राजा वाजा नहीं ध्यान है मुझको, लेकिन गणित का नोबल हम जानते हैं एबल पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, हमने रटवाया भी था आपको कि इस साल किसको मिला है, एक विमेन को मिला है पहली बार इस साल, कैरन उलनबक को, अमेरिका से हैं। जो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का पद आधिकारिक कितने कार्यकाल का होता है? वैसे तो इसको लिखा जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने ऑफिस में रहते हैं, लेकिन कब तक? तो कब तक का मतलब है 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारतीय तिरंगे यानी कि जो ध्वज है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें अशोक चक्र किस रंग का दिखाया गया है? तो अशोक चक्र का कलर होता है नेवी ब्लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीलियां कितनी होती हैं आप बताइए कमेंट करके। अगला है, 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय फल हमारा था मैंगो, ऑप्शन नंबर बी, आम। अगला है कि भारत के एकॉर्ड ग्रुप और ओमान के तेल गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए इतने बिलियन का समझौता किया है? तो ये हम बनाने वाले हैं श्रीलंका में ऑयल रिफाइनरी। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे वीडियोस से बाहर नहीं आए, स्टैटिक के बहुत पुराने वीडियोस से हम नहीं क्लेम करेंगे। हालांकि मैंने बेस्ट स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया था, अगर उसे किसी ने देख लिया होगा, बार बार सर ने बोला भी था कि स्टैटिक पर भी फोकस करिए जीएस और करंट अफेयर के अलावा, कोर जीएस के अलावा। आप देखिए कोर जीएस कुछ सेट में आया है, कुछ सेट में नहीं आया है, स्टैटिक और करंट अफेयर ही पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा वीडियो जिन लोगों ने या फिर हमारी एडवाइस फॉलो की होगी, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे। राजस्थान की स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेतक हासिल किया है, तो ये कौन सी कठपुतली है? इसमें ऑप्शंस अगर आप देखें तो कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। चन्नपाटना डॉल्स होते नहीं है, टॉयज होते हैं जिनको जीआई टैग रजिस्टर्ड किया गया है कर्नाटक के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये कोंडपल्ली, ये भी डॉल नहीं होते, ये टॉयज होते हैं, इनको जीआई टैग रजिस्टर्ड किया है आंध्र प्रदेश के लिए, आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। और खुर्जा ये पॉटरी होती है, डॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये खुर्जा में रजिस्टर्ड है, खुर्जा कहाँ है आपको पता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा हमारा सी, कठपुतली डॉल्स, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक LVB तमिलनाडु का 93 साल पुराना बैंक मुंबई की एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एंटिटी के साथ मर्ज हुआ है, इसका इस एंटिटी का क्या नाम है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्ज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वह देश कौन सा है जिसने अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक दिया था? तो जायद पदक दिया था UAE ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सही है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदर्भ ने 2018-2019 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता, तो नागपुर में फाइनल में उसने किसको हराया था? तो हमने कई बार आपको बोला है बड़े टूर्नामेंट में रनर अप यानी हारने वाले का नाम जो होता है फाइनल में, जो हारता है उसका नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, सौराष्ट्र को हराया गया था, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार
मुंबई में स्थित जो भारत का प्रमुख शोध संस्थान टाटा अनुसंधान संस्थान है, इसके निदेशक कौन बने हैं? तो नवनियुक्त हुए थे आपके संदीप पी त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं। अगर आप थोड़े से मतलब वैसे सीरियल वगैरह देखते होंगे स्टार प्लस वगैरह के, वहाँ पर मराठी कल्चर दिखाते हैं और उसमें न्यू वर्ष का सेलिब्रेशन दिखाते हैं गुड़ी पाड़वा के रूप में। अगला है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय, अभी अभी हाल में लिखा है लेकिन आपको बता दें 2018 करंट अफेयर है, नवंबर के लास्ट मंथ का, मतलब नवंबर 30 के करीब ये न्यूज़ आई थी। तो मैंने कहा था कि दिसंबर से आप तैयार करिएगा, छोटा छोटा भी पूछ सकते हैं। तो BHU के बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी ये है हमारे करंट अफेयर की वीडियो में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो यह है लुधियाना में, ऑप्शन नंबर बी। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से क्या कहते हैं? तो इस तरह की खेती होती है जीविका कृषि, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एडिबल प्लांटेशन क्रॉप्स। एडिबल का मतलब आपको पता है जो खाद्य नहीं होती है, जिसको खा नहीं सकते हम लोग। तो रबर ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री के काम आएगी, आप इसको खा नहीं सकते किसी भी फॉर्म में, ठीक है। लेटेक्स खा नहीं सकते, लेटेक्स से च्विंगम बन सकता है लेकिन फिर भी आप उसको खा नहीं सकते। कोकोवा कॉफ़ी के रूप में जो ड्रिंक बनेगी उसको पी सकते हैं। रिकॉर्ड नट सुपारी जो है ये मतलब यूज़ की जाती है पान मसाला गुटखा में, और चाय जो है बिल्कुल हम लोग पीते हैं, मतलब काफ़ी लोग पीते हैं, मैंने ही। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में PDF जो है इसका मतलब क्या है? तो PDF से आप पढ़ते हैं सारे पेड ग्रुप वाले मेंबर, ठीक है, आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो अस्सी घाट, काशी का अस्सी करके फेमस बुक आई थी, काशी का अस्सी मूवी आई थी जो फाइनली लीक हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, उसमें वाराणसी के घाटों के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो ये स्तंभ आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको डेवलप किया था, मतलब बनवाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी पहले भी बना हुआ है। उकाई डैम कहाँ पर है? उकाई डैम गुजरात में है, तापी पर बनी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित मोटो या फिर आदर्श वाक्य है? यह आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन मार्केट प्लेस ऐप शुरू किया है? तो ये हमारा मार्च एंड का करंट अफेयर है, अप्रैल में हमने इसको जरूर बताया होगा। कॉफ़ी ब्लॉकचेन इसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग यहाँ पर कॉफ़ी कनेक्ट से कंफ्यूज नहीं करेंगे, कॉफ़ी कनेक्ट जो है ये एक कह सकते हैं आया था ऐप सितंबर में, बल्कि ऐप नहीं था, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन था पहली बात तो, ठीक है। मैं कॉफ़ी स्टेक होल्डर सभी के लिए था और ये केवल ब्लॉकचेन वाला मार्केट प्लेस पर फोकस करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जाएगा। जिन लोगों ने कॉफ़ी कनेक्ट चुना है उनका सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नाम का एक जो है बनाया गया था आयोग? तो ये किसने बनाया था? असम ने, ऑप्शन नंबर ए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है बताना है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी। दार्जिलिंग जिन लोगों ने लगा दिया है कुछ अलग लॉजिक से उनका गलत है। आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट दिखाई देती हैं? तो एक्सेल में बाई डिफॉल्ट 3 दिखाई जाती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग ग्राफिंग डिजिटल आर्ट में बड़े पैमाने पर होता है, किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो जिनका है उन्हीं का होगा, जैसे अडोब का है, ठीक है, अडोब फोटोशॉप कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अवेयरनेस पर आधारित क्वेश्चन है, एजवर्व सिस्टम्स ये किस IT के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी है? तो ये सब्सिडरी है इन्फोसिस वालों की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जो किसी अन्य राज्य से घिरा हुआ नहीं है, अन्य राज्य से सीमा नहीं साझा करता है?
सहारनपुर पंजाब से करता है, देवरिया बिहार से करता है, ललितपुर मध्य प्रदेश से करता है, हरदोई नहीं करता है, खाली ऑप्शन नंबर सी। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने प्रयागराज से, सभी ने कर लिया होगा सही। बांके बिहारी जी का मंदिर ही कहाँ पर है, ये वृंदावन में है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, उत्तर प्रदेश का आपका स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास अपने तीन सिंबल हैं, उनके पास सारस क्रेन बर्ड है और आपका पलाश का फूल है, लेकिन अभी फ्रूट नहीं है हमारे पास, स्टेट फ्रूट अभी कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, वुड कार्विंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI कहाँ पर है, ये इज्जतनगर बरेली में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अवध राजा, जिसे अवध भी कहा जाता है, अवध राज्य 1772 से 1756 तक मुस्लिम शासकों के शासन में था, अवध पर शासन करते हुए समय पर शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो अवध के जो शासक अपने को नवाब कहते थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, ये किस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये मैसूर के पास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में, एक न्यास के रूप में की थी जयपुर में, और इसकी दिल्ली शाखा की स्थापना की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। 2002 में इसको गांधी शांति पुरस्कार से इस ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रस्ट को सम्मानित किया गया था। होलोकॉस्ट किसके लिए यूज़ करेंगे टर्म, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्म जर्मनी के लिए करेंगे, एनालिसिस में भी हमने बता दिया था शॉर्ट एनालिसिस में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या होती थी, तो आपने गेस भी किया होगा तो इसको सही गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये टर्म कभी कभी आज भी जो है दिख जाता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल का काम था। यहाँ पर लैंड रिवेन्यू का मेंटेनेंस करना किसका काम था, कानूनगो का, और शिकदार जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था परगना का, ठीक है, तो ये है मुगल शासन का हिसाब किताब। अगला है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाए द्वारा जो अधिनियम है जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो गिरगांव मुंबई में की थी, बॉम्बे में जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैगस्थनीज, जिन्होंने भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, मूल रूप से किसके थे, वो यवन थे यानी ग्रीक थे, तो ग्रीस से आए थे, ऑप्शन नंबर बी। सरल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये जौनपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। जो अभी आपका गन्ना पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है, इस वजह से एनालिसिस देखा करिए, जो जो UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर हों वो आ जाते हैं। GMT जो है टाइम जोन है, ये ग्रीनविक जो है ये कहाँ पर है, तो ग्रीनविक लंदन के पास है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि चोलाईकान, कुरुम्बा, कुट्टाईकन, कादर और कोरगा, ये आपके जो इंडिजिनस ट्राइब हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये कहाँ पर मिलेंगे, तो मोस्टली मिलेंगे आपको केरल के पास, कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में भी होंगे, लेकिन जिन ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंटली मिलेंगे केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है, 1956 में पहली बार उन्होंने कहाँ पर अपनी पहली शॉप खोली थी, लुधियाना पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है क्लिशी सा, कहाँ पर है ट्रफलगर स्क्वायर, लंदन में, ऑप्शन नंबर बी। जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, ऑफकोर्स तुक्का लगाना पड़ेगा। लोग सेट नंबर डी देख लेते हैं यहाँ पर, सेट नंबर डी 2014 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूछा है, तो मतलब कि आपको वो इतना रिसर्च भी नहीं जरूरी था, गूगल करेंगे तो 14 तक की जानकारी ज़्यादातर वेबसाइट्स में दी हुई है, तो सेफ गेम खेला है UPSC ने कि कोई जो है गलत ना कर दे इसको, आप जो मतलब ये देंगे फैक्ट वो आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 2014 तक ही बताना है। 2014 तक टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना, ऑप्शन नंबर ए।
करीब 45% प्रोडक्शन चाइना से हुआ है पूरे वर्ल्ड के टिन का 2014 तक। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई नाम से जाने जाने वाला है ग्रैंड एनिकट बांध देखने को मिलेगा, सबसे पुराने बांधों में से एक है। ये कहाँ पर है? तो वैसे तो ये तंजावुर के पास है, लेकिन नियरेस्ट जो सिटी दी हुई है वो तिरुचिरापल्ली दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी हम इसे सही मानेंगे। अगला है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें और भी पहले का पूछा है, यानी कि किसी भी वेबसाइट में देखेंगे यहाँ तक का डेटा तो अपडेट मिलेगा ही, तो ऑस्ट्रेलिया है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो यह है पेन रिवर, इसको पेन्नार भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर टी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है अंगूर की खेती करने वाले करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग विटी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ है, पुराना नया जलोढ़ ही हम पढ़ते आ रहे हैं, कभी पुराना नया पूछ लेता है, उसमें और सरल कर दिया है। तनामी रेगिस्तान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी 11 ही हैं, ठीक है, कोई नया नहीं ऐड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि विकास ग्रामीण विकास संस्थान IARDA की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जिस नैपकॉन्स के साथ जो है समझौता किया है? तो हमने आपको बताया था ये अप्रैल की शुरुआत का करंट अफेयर है, मलावी ऑप्शन सही है। आप करंट अफेयर का वीडियो मेरा उठा लीजिए, उसमें मैंने मलावी का मैप भी बनाकर उसमें दिखाया था। आपने हमारे करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपने कर लिया होगा। अगला है लगातार दूसरे वर्ष के लिए किस राज्य को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला स्थान मिला है? तो लगातार दूसरी बार, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। ये हमने बताया था कि पिछले साल भी तेलंगाना रहा था जिसने अपने सबसे ज़्यादा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया था, और इस साल भी टॉप पर तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये पहले भी आ चुका है कई एग्जाम में, यूपी पुलिस वगैरह में, तो एनालिसिस देखा करिए यूपी के एग्जाम्स की, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं कहूँगा कम से कम 50 में से 6-7 तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली पिछले एक साल में हुए यूपी के एग्जाम से रिपीट हुए हैं। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया था? तो ये भी हमने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया था 30 मार्च के बाद से। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जो वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की के लिए समझौता किया था? तो हमने भी बताया था करंट अफेयर में, गूगल इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन चार देशों में दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? कॉमन ये है कि इकोनॉमिक आउटलुक IMF की रिपोर्ट में 10 सालों में सबसे निगेटिव ग्रोथ इन कंट्रीज में देखी गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछने का तरीका काफ़ी लाजवाब है। अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि के में चैटबॉट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया था? तो हैप्टिक का अधिग्रहण किया गया है 700 करोड़ रुपया में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT नवंबर में न्यूजेन मोबिलिटी समिट का करंट अफेयर मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया हुआ है आपको, पेड्रो पालो और सभी ने सही कर लिया होगा, मानेसर में होगा ये, 27 नवंबर से होगा, अभी भी मुझे डेट याद है, मानेसर हरियाणा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? तो टिकटॉक है बाइट डांस का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे UAE के द्वारा 2019 में द्विपक्षीय राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो है जायद पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। तो एक शिफ्ट में ऐसा करके पूछा है कि किस देश ने जायद पदक दिया, और आपकी पूछा है कि किसे मिला, तो मोदी जी को मिला है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? तो ये बनी थी गौरी सावंत, ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर महाराष्ट्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार टॉप पर है बेल्जियम और फिर है फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। वैसे आज भी देखें तो आज की डेट तक भी बेल्जियम था, तो इसमें रिस्क लिया जा सकता था जो इन लोगों ने लेटेस्ट तैयार किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? ये भी हमने बताया था आपको, विक्रम किर्लोस्कर, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ये मई का करेंट अफेयर है शायद। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो ये आपको लग रहा होगा कि तमिलनाडु क्यों पूछ लिया, लेकिन चांसलर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का होगा, जो कि तमिलनाडु स्टेट का गवर्नर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा डी, बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी।
गवर्नर होंगे तमिलनाडु के, वही वहाँ के चांसलर बनेंगे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के। अगला है कि जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो जुलाई में सरकार बदल चुकी थी, उससे पहले राधा मोहन सिंह थे, लेकिन फिर नरेंद्र सिंह तोमर बन गए थे कैबिनेट वाले, कैबिनेट मिनिस्टर, और परसोत्तम भाई रूपाला और कैलाश चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के लिए, उनका नाम नहीं गिवेन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। अगला है, दो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आप जानते हैं कि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। ये सर ने बताया था आपको करंट अफेयर, वो सॉरी इकोनॉमिक करंट अफेयर के लेटेस्ट डेटा के वीडियो में। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आगरा में, सिकंदरा से थोड़ा दूर है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की है। इसमें थोड़ा तुक्का भी लगाया जा सकता था, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने बैठे हैं तो वहीं की पुलिस का आदर्श वाक्य पूछेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 3G, 4G और 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है? तो जी जनरेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 5G फोन आ चुके हैं मार्केट में सैमसंग के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के उस पूर्व खिलाड़ी का नाम क्या है जो वर्तमान के RCB के कोच हैं 2019 सीजन के लिए? ये हैं गैरी कर्स्टन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है, इस रेलवे जोन का नाम क्या है? तो ये है सदर्न कोस्ट रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इखलास खान का रोज़ा मकबरा ये कहाँ पर है? बदायूं में है ये, ऑप्शन नंबर डी। ये भी स्ट्रैटिक आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। RFP का फुल फॉर्म क्या है जिसमें IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में प्रयोग करते हैं? तो इतना आपको जो है दे दिया, इसका कह सकते हैं कि हिंट, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वॉटसन कंप्यूटर IBM के फाउंडर और उनके पहले CEO थे, उनके नाम पर पड़ा था, उनका नाम वॉटसन था, तो इसको डेवलप किया है IBM ने। और केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर जो हैं फाउंडर जो हैं किस ऐप के? तो दिन भर जो इंस्टा में लगे रहते हैं, अगर वो ये ना बता पाए तो इंस्टा यूज करना बेकार है फिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंस्टाग्राम। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से शेर ए बलिया किसको कहते हैं? तो शेर ए बलिया कहते हैं चित्तू पांडे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा से राजनाथ सिंह के खिलाफ किसने जो है चुनाव लड़ा था? ये चर्चा में रही थी थोड़ी सी चीज़, पूनम सिन्हा ने लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध ये कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है, ठीक है, आगरा कानपुर हाईवे पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के नाम जाना जाता था। उत्तर प्रदेश ये कब बना है? 1950 में। तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है सर के वीडियो से आए थे, जो फाइनल वीडियो आपको मिला था 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश से नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल ये हैं होरम सज्जी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1806 में, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि साइन की थी? तो एक 1846 में हुई थी, एक 1809 में, तो 1809 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग, आगे हमारा क्वेश्चन है कि बॉम्बे जिसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, ठाणे से मुंबई तक यहाँ पर पहली ट्रेन कब चली थी? डलहौजी के काल में चली थी, 1853 में, ऑप्शन नंबर सी। ये आपने कर लिया होगा, ये फैक्ट बहुत लिखे रहते हैं इधर उधर लूसेंट वगैरह में भी। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला डाकघर कहाँ था? पहला डाकघर खुला था यहाँ पर बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, पहले डाकघर की बात कर रहे हैं, पहले डाक टिकट की बात नहीं कर रहे हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जिसको जॉन मॉर्ली ने जो है बनाया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1909 में, ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है केरल में।
स्टैटिक क्वेश्चन आप देख रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, अजैविक नहीं है, यानी कि जैविक है। तो इसमें आपको पता है एक इकोलॉजी में दो फैक्टर होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक में आ जाते हैं आपके लिविंग और एबायोटिक में नॉन लिविंग। तो एयर सॉइल वाटर ये हैं आपके एबायोटिक, और बायोटिक है फंजाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए इसमें सेट नंबर ए से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे ए बी ए सी और जितने भी ए वाले सबसेट हैं सब में क्वेश्चन सेम है, बस उनके ऑर्डर का फ़र्क होगा। तो जितने भी ए सेट वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं आगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा 26 नंबर। कंप्यूटर टूल्स सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर द प्रोडक्ट्स ओन बाय विच ऑफ दी कंपनीज। तो कंप्यूटर के ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं कौन सी कंपनी के अधीन आते हैं? तो इन सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन सबको बनाने का कार्यभार माइक्रोसॉफ्ट का होता है। आपने कीवर्ड देख रखा होगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब। तो एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला है टिमोदी डोनाल्ड कुक, इन शॉर्ट में आप बोलें तो टिम कुक, किसके सीईओ हैं? तो टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में आपको बात करनी है। देर इज़ अ फीचर कॉल्ड गटर मार्जिन। गटर मार्जिन नाम का फीचर किस लिए यूज़ होता है? तो आपको बता देते हैं ये किस लिए यूज़ होता है। देखिए, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट होती है ना उसकी अच्छे से बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से बाइंड नहीं करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, गिव प्रोविजन फॉर बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग। विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल। तो नेपाल बॉर्डर पे कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जो नहीं आता है? तो इस जिले का नाम होता है सीतापुर, और ये लखनऊ के पास पड़ता है। विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी बिहार। तो यूपी बिहार बॉर्डर पे कौन सा पड़ता है इस बारे में आपको बात करनी है। तो इस जिले का नाम है बलिया, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी बस्ती नेपाल बॉर्डर पे है, गोरखपुर के आसपास। बुलंदशहर कहीं पे भी बॉर्डर पे नहीं है, ये बेसिकली यूपी दिल्ली बॉर्डर पे है, गाजियाबाद के नज़दीक। बांदा यूपी एमपी बॉर्डर से थोड़ा सा दूर है। आगे बात करेंगे, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जो वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी, जो डिस्टेंस है मतलब दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी, आप समझ रहे हैं 1000 किलोमीटर से ऊपर, करीब 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने पैदल तय किया था। तो इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो भारतीय जनता के साथ संबंध को और बेहतर बनाना था। तो नेता का नाम बताना है, तो नेता का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी। ये वही हैं जिनको 1992 में बिहार में अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे वो रथ यात्रा लेकर जा रहे थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि वो इस तरीके से शांति भंग कर रहे हैं। नेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट दैट ही वुड इम्प्लीमेंट मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। तो मंडल कमीशन की जो शर्तें थीं, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बोला था पार्लियामेंट में सबके सामने कि ये मंडल कमीशन की सभी शर्तों को मानेंगे? तो इन प्राइम मिनिस्टर का नाम है वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड सुहाग नगरी बिकॉज ऑफ इट्स फेमस फॉर मेकिंग ग्लास बैंगल्स। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे चूड़ियाँ अधिकतर बनती हैं, और वो जिला बेसिकली उसी के लिए प्रसिद्ध भी है? तो इस जिले का नाम है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज ऑल्सो द हेड प्रीस्ट ऑफ गोरखनाथ टेम्पल एंड मठ। तो गोरखनाथ टेम्पल जो उत्तर प्रदेश में है, ऐसे कौन से लीडर हैं जो कि यहाँ के पुजारी भी हैं और साथ ही साथ वो बड़े लेवल पे नेता भी हैं? तो इनका नाम है, यूपी के सीएम है ये, योगी आदित्यनाथ, यानी कि ऑप्शन बी। ये सीएम तो है ही हैं, साथ में यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं। सारनाथ दी सैक्रेड प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। मतलब लॉर्ड बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश यहाँ पे दिया था, सारनाथ में। यूपी में ऐसी कौन सी सिटी है जो इसके निकट है? तो यूपी में वाराणसी के निकट पड़ता है सारनाथ, यानी कि ऑप्शन डी। विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द डेलिकेटली एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी कॉल्ड चिकन करी साड़ीज। तो चिकन करी साड़ीज, या फिर जो चिकन कारी साड़ीज जिसको बोलते हैं,
कहाँ पे फेमस हैं? तो यूपी की राजधानी लखनऊ में फेमस हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं, आपको उन पोएट का नाम बताना है जिन्होंने रामायण लिखी थी, मतलब रामायण का जो दूसरा वर्जन है रामचरितमानस, वो लिखी थी। तो सभी जानते हैं कि इसके राइटर हैं तुलसीदास, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? तो इनका नाम है मार्तंड वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेम द फेमस वॉरियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध। अवध से एक फेमस बेगम आती हैं जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो सभी को पता है कि लखनऊ से थी और इनका नाम है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आगे, द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर। बाबर को आप सभी जानते हैं, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। अगर आप बाकी मुगल बादशाहों की बात करेंगे तो सभी के सभी ने अदर किसी लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और अगर किसी दूसरे ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी तो वो इनकी नेटिव लैंग्वेज में नहीं थी। लेकिन बाबर यहाँ पे एक्सेप्शन है, इन्होंने चगताई तुर्की, जो इनकी खुद की भाषा थी, इसमें लिखी थी। इस किताब का नाम क्या है? तो ऑफ कोर्स बाबरनामा, ऑप्शन बी। व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज फर्स्ट टेन्योर इन 96। तो 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जब सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको इसमें ये बताना है, व्हाट वाज द क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। कितने दिन तक बने रहे थे? हफ्तों में बताइए। तो ये बने रहे थे 13 दिन। अगर आप इसको हफ्तों में देखेंगे तो 1 हफ्ते 6 दिन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते, 2 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेम द सेलिब्रेटेड फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ द किंग बिम्बिसर। तो राजा बिम्बिसर आप सभी जानते हैं, इनके राज्य में एक डॉक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, और सेम डॉक्टर लॉर्ड बुद्धा के भी थे। तो इनका नाम बताना है आपको, इनका नाम है चिकित्सक जीवक, यानी कि ऑप्शन सी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द पोयम अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला एक कविता है जो कि रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस बारे में आपको बात करनी है। इट वॉज टैगोर फर्स्ट एवर पोयम। तो ये क्या सबसे पहली बार टैगोर ने लिखी थी? ऐसा नहीं है, इन्होंने और भी पोयम लिखी थी इसके पहले। दिस पोयम लेटर वॉज अडॉप्टेड बाई बांग्लादेश एज इट्स नेशनल एंथम। तो बिल्कुल सही बात है, बाद में बांग्लादेश जो देश है 1971 में बना था, इसने इसको अपना राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रगान घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 44 नंबर, इंडियाज 5-ईयर प्लान सिस्टम वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया। सभी जानते हैं कि USSR जो उस टाइम पे था, आज की डेट में वो रशिया है, यहाँ से हम लोगों ने 5-ईयर प्लान को इंस्पायर होकर के अडॉप्ट किया था। तो आपको उस रशियन लीडर का नाम बताना है जिन्होंने वहाँ पे सबसे पहली बार इनको इम्प्लीमेंट करा। तो इनका नाम है यहाँ पे जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 45 से, नियर विच यूरोपियन कैपिटल यू वुड फाइंड द पैलेस ऑफ वर्सलीस। तो वर्सलीस का जो महल है निम्न में से कौन से शहर के आसपास है? द टू फेमस यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज आर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ऑक्सफोर्ड की बात करें चाहे कैम्ब्रिज की बात करें, दो की दोनों इंग्लैंड में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, हाउ मैनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो 12, ऑप्शन नंबर बी। द डांडेली डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। भारत में ऐसे कौन से राज्य में डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर हम लोगों से रह गया है, नियर विच यूरोपियन कैपिटल यू वुड फाइंड द पैलेस ऑफ वर्सलीस। तो पैलेस ऑफ वर्सलीस ऑफकोर्स आपको पेरिस यानी फ्रांस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलीस आपने नाम सुना होगा, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रेरित है। इन विच ऑफ दिस हिल स्टेशन यू वुड फाइंड द चेत पारा वाटरफॉल्स पोथामेडू व्यू पॉइंट अटूकाड व्यू पॉइंट। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मन्नार में, ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 है ना कि 12, ऑप्शन नंबर सी। द सिटी ऑफ वेनिस क्रिस क्रॉस्ड बाई कैनाल एंड ब्रिजेस। तो सिटी ऑफ वेनिस सभी जानते हैं जो किन चीज़ों से घिरा हुआ है, नहरों और पुलों से। कहाँ पे है ये? तो ये है इटली देश में, ऑप्शन नंबर डी।
माउंट एटना कंसिडर टू बी द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ यूरोप। तो यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो जो कि माउंट एटना है, कहाँ पे है ये? तो ये भी इटली में है, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर देखते हैं, पोन मुडी जो कि भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, कहाँ पे है ये इंडिया में? तो ये इंडिया में केरल में है, तिरुवनंतपुरम जो कि उसकी राजधानी है वहाँ पे, ऑप्शन सी। कौन सा ऐसा शहर है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने के या फिर सज़ा में जो एडिटिंग होती है वो करने की शक्ति प्राप्त है? तो 161 के हिसाब से तो इसका आंसर हो जाएगा जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या चीज़ गिवन है? तो वहाँ पे सिटीजनशिप यानी नागरिकता की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यासागर राव, ऑप्शन बी। आर्टिकल नंबर 300A किस बात की गारंटी देता है? तो ये गारंटी ये देता है कि जो उस समय राइट ऑफ प्रॉपर्टी था ना 1978 से पहले, जो कि 44वें अमेंडमेंट के बाद समाप्त हो चुका था, तो उसको 1978 से लेकर अभी तक यहाँ पे रखा गया है। किसको? तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, तो ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 कौन से पहलू से संबंधित है? तो इसमें इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि चुनाव, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में वास्तु एवं सेवा कर यानी जो GST होता है, इसकी जो हाईएस्ट रेटिंग है वो क्या है? तो हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पे है 28, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जितनी भी लग्जरियस आइटम्स हैं इंक्लूडिंग सिगरेट और जो महंगे महंगे होटल होते हैं उनका किराया, ये सब चीज़ें। बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रैमन मैक्सेसे अवार्ड मिला था, कौन से क्षेत्र के लिए मिला था? तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैनुअल एक्सकैवेंजिंग के क्षेत्र में था, मतलब जो सफाई कार्य होता है जो खुद से इनिशिएट किया जाता है वो सब, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो इस देश का नाम है रूस यानी कि रशिया, ऑप्शन नंबर डी। जो ये जो BRAH आपको दिख रहा है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से डिराइव है, और बाकी ये जो मॉस है ये रशिया की एक नदी के नाम से डिराइव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक स्कीम चलती है, मतलब मन की बात आप सभी ने सुना होगा, जिसके थ्रू वो रेडियो चैनल के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कब से चालू हुई थी ये? तो ये हुई थी अक्टूबर 2014 से, ऑप्शन नंबर ए। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA दुनिया का सबसे बड़ा GDP वाला देश है, सभी को पता है, सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे चाइना है ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर सी। डैश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुफटिका जो भी इनका नाम है, अप्रैल 2019 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? तो ये हैं अल्जीरिया के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी। 65 है अपने पास, ICC के नए CEO के बारे में आपको बात करनी है, तो ये है मनु साहनी, ऑप्शन नंबर सी। अशोक लेलैंड के पूर्व CEO जो आजकल किसके CEO हैं, रॉयल इनफील्ड के, जिनकी बुलेट मोटरसाइकिल बनती हैं, इनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है विनोद के दसारी, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2019 तक के डेटा के अनुसार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पे कौन सी साइड है? तो इसका नाम है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन डी। IPL 2019 के लिए दिल्ली कैपिटल टीम के रूप कप्तान कौन थे? तो इनका नाम है श्रेयस अय्यर, लास्ट ईयर गौतम गंभीर के रेजिग्नेशन के बाद इनको बनाया गया था और इस सीजन भी इन्होंने कंटिन्यू करा, ऑप्शन नंबर सी। 2018 की शुरुआत में किस राज्य में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना है? तो इसका नाम है हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट का नाम है झज्जर। भारत में मुख्य सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका नाम, माफ़ कीजिए, केरल होगा, ऑप्शन नंबर ए। सुपारी के राज्य में, मतलब सुपारी का जहाँ तक सवाल है, तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो केरल होगा। तो कन्फ्यूज़न इस चीज़ से हो गई क्योंकि अगर आप टोटल प्लांटेशन की बात करें सुपारी की क्रॉप में, तो उसमें तो केरल आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले GI टैग मिला था कहाँ की सुपारी को, तो उसका नाम है सिरसी जो कि कर्नाटक में है।
उड़ीसा की 70 ईयर्स की एक महिला हैं जिन्होंने जीवन भर अनेक प्रकार के धान बीजों का संरक्षण किया था और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम बताना है तो इनका नाम है कमला पुजारी, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जिसके बारे में मैं अभी अभी आपको बता रहा था। सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है, कहाँ की है ये सुपारी? तो ये है कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको 11 मंजिल का पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो पागल बाबा मंदिर आपको मिलेगा वृंदावन में, जो कि मथुरा के आसपास पड़ता है, यूपी में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इनका नाम है शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र कौन सी सीमा के अंदर आता है? तो ये पड़ता है यूपी एमपी बॉर्डर में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ लें आखिरी शहर कौन सा है बुंदेलखंड का जो कि एमपी बॉर्डर के आसपास है, तो उसका नाम है ललितपुर, जो कि झांसी से 50-60 किलोमीटर आगे पड़ता है। सेट नंबर बी की बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी, तो ये बनी थी सितंबर 1946 में, और मुस्लिम लीग इसमें एक महीने बाद शामिल हो गई थी यानी करीब 25 अक्टूबर 1946 में। यहाँ पे 24 दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो बाउंड्री डिसाइड होनी थी, मान लीजिए ये इंडिया ये पाकिस्तान, तो इस बाउंड्री का कमीशन जो उस टाइम पे बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था सर रेडक्लिफ, और तभी इस बॉर्डर को रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.437, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खम्बात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कौन कौन सी मिलती हैं पहले वो बता देते हैं, मही, साबरमती और तपी, जितनी भी गुजरात वाली नदी हैं वो गल्फ ऑफ खम्बाट में जाके मिलती हैं, और जो बाकी दूसरी है वो नहीं मिलती। तो कौन नहीं मिलती? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयना, ऑप्शन नंबर सी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की कैटेगरी से क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग चोटी, ऑप्शन नंबर डी। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे जनजाति जनसंख्या नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद है भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता और पाक शैली के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए। 2011 का जो सेंसस हुआ था एक बार फिर से उसी के ऊपर सवाल है कि कौन से राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी? तो इसका आंसर है बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादातर होता है? बेसिन का नाम बताना है बेसिकली, तो बेसिन आप उसी नदी का बता पाएंगे ना जो आंध्र प्रदेश में होगी। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी दो नदी हैं? कृष्णा और कावेरी, इनफैक्ट गोदावरी, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यूरोप में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन से देश में स्थित है? इसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, तो ये देश है रशिया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विधिक समता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में डील करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, यानी कि ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी डायरेक्टली आपको कीवर्ड मिल जाएगा DPSP के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है भारत के राष्ट्रपति की, मतलब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है ना वो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल वाले ही तो चुनेंगे, यानी कि ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। 31 मई 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? तो सभी को पता होगा इनका नाम है अजीत डोवाल और ये काफ़ी फेमस रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इम्पीचमेंट के बारे में, क्योंकि चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो इम्पीचमेंट कीवर्ड लगातार मेंशन कर रखा है। तो द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 61। तो ये बात एकदम सही है, आर्टिकल 61 में भारत के संविधान के अंदर महाभियोग को डायरेक्टली मेंशन कर रखा है इन्होंने, तो ये बात सही है। और जो सही है वो आपका आंसर नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है देश के पहले नागरिक की, तो देश का कोई भी सदन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ये भी बात गलत है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ये बात एकदम सही है। और जो सही है वो आपका आंसर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन। तो ये जो कीवर्ड यहाँ पे है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन, ऐसा कोई कीवर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कीवर्ड है इम्पीचमेंट के बारे में वो है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो वॉयलेट करेगा वही हटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें कि 26 मई 2019 को नई सरकार बन चुकी थी, नरेंद्र मोदी पार्ट टू जिसको पॉपुलर रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे नए फाइनेंस मिनिस्टर आपकी कौन है? निर्मला सीतारमण, जो पुरानी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी। जून 2019 में IMF द्वारा तैयार G20 के हिसाब से 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रतिशत से बढ़ गई? तो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से बढ़ गई 7.3%। तो ये डेटा 2019 का प्रेडिक्ट किया था किसने? IMF ने। और अगर आप बात करें 2020 के लिए तो ये डेटा इन्होंने बढ़ा के बताया था 7.5% का ग्रोथ रेट होगा इंडिया में। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMSY के अंतर्गत एक सब स्कीम चल रही है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है मेन स्कीम जो है PMSY, उसके अंदर एक सब स्कीम है MSK। इस MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान इम्प्लीमेंट किया जाना है? तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है साल 2017-18 से लेकर पूरा आगे तक। तो 17-18 से इसकी शुरुआत हुई है, तो जहाँ से शुरुआत हुई है उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 2017-18 यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखते हैं, महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट डैश ऑफ इंडिया। तो इंडिया के साथ महात्मा गांधी क्या नहीं चाहते थे? वो बहुत सिंपल से व्यक्ति थे, उनके हिसाब से हमको ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ की तरफ आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ से करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो नए CM कौन है अरुणाचल प्रदेश के, आप बताइए। तो यह है पेमा खांडू, ऑप्शन सी। मई 2019 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने ओडिशा के कोस्टल एरियाज को बुरी तरीके से प्रभावित किया? तो सभी को पता है इसका नाम है साइक्लोन फानी, ऑप्शन बी। IPL 2019 किसने जीता? बहुत आसान सा है, तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। किसके खिलाफ जीता? तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली CSK चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। मई 2019 में केंद्र सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और ये जो दो मिनिस्ट्रीज थी, देखिए दो मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी पहले पुरानी सरकार में, कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, तीन थी, मतलब तीन मिला के एक बना दिया। इस नई मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है जल शक्ति, इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कमेंट में? जून 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था? तो मोदी जी को समय समय पर दूसरे देश सम्मानित करते रहते हैं, उनका व्यवहार ही कुछ इस तरीके का है। तो जो भी देश इनको सम्मानित करते हैं उनका नाम आपको याद रखना है। तो जहाँ तक इज्जुद्दीन का सवाल है तो इस देश का नाम है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। डैश एक प्रसिद्ध 49 ईयर्स ओल्ड शेरपा हैं जिन्होंने मई 2019 में 23 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, इनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है कामी रीता, ऑप्शन नंबर बी। 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, अनाज में केवल चावल और गेहूँ शामिल है, कितने टन उत्पादित करना है बेसिकली, एग्जैक्ट बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा 283.37 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी। यह एग्जैक्ट डेटा आपको हमारे इकोनॉमिक पापा वीडियो में मिलेगा जो कि सर ने खुद बनाया था। 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे जो भी साल ले लीजिए, रबर सबसे अधिक उत्पादित करता है केरल, ऑप्शन नंबर ए। भारत के जीडीपी 2019, मतलब जो भी जीडीपी था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था? तो इनका बहुत कम था, 14 पॉइंट समथिंग, 14.39%, ऑप्शन नंबर ए। 2011 सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे है 902 और नॉर्मल सेक्स रेशियो यहाँ पे है 912। चाइल्ड पूछा है इसलिए 902, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आती? तो इसका आंसर हो जाएगा अराकू। अराकू विशाखापट्टनम में, पट्टनम में है मतलब, तो इस वजह से नहीं आती, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। ये सबसे पहली गवर्नर थी जो किसी स्टेट की बनी थी, वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का स्थान क्या था? तो 43rd था, ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस जगह है मुंबई में, इनकी हेड कौन बनी है, मतलब विमेन डायरेक्टर? मई 2019 के लिए आपको बताना है, तो इनका नाम है जयश्री व्यास, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे सीधे सीधे जाने के लिए? तो इसका नाम है कंट्रोल स्केप, ऑप्शन नंबर सी। फादर ऑफ कंप्यूटिंग कौन थे? तो इनका नाम है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए। विंडोज 10 का जो पहला प्रीव्यू हुआ था किस दिन हुआ था ये? तो ये हुआ था 12 दिसंबर 2015 को, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला लगता है? तो इस जिले का नाम है आगरा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो कॉटन की खेती होती है उसको बोने का परफेक्ट टाइम कौन सा होता है? तो इसका नाम है, ये जो टाइम है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है, मतलब 2001 यहाँ पे है, यहाँ पे 2011 रेट ऑफ ग्रोथ बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.23%, टू बी एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? तो इसका नाम है जिले का गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी। आपने नाम भी सुना होगा कि गाजीपुर की अफीम। उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस शहर में रेल कोच फैक्ट्री है, मतलब जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे बनते हैं, कहाँ पे है ये? तो ये है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, यूपी में, ऑप्शन ए। यूपी में काशी स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात है ये गंगा किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काशी वाराणसी में है जो कि गंगा किनारे है। यूपी में निम्नलिखित में से किस शहर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। यूपी की राजधानी लखनऊ निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? तो ये चिकन कारीगरी के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी। यूपी का एक शहर फिरोजाबाद है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है और चूड़ियाँ बनती हैं कांच से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को हेल्प नहीं करी थी? तो अंग्रेजों को किन्होंने हेल्प नहीं करी थी? ग्वालियर के सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर ए। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की एग्जैक्ट डेट कब दी थी? तो एग्जैक्ट डेट आपकी क्या हो जाएगी, 19 जुलाई 1905, ऑप्शन नंबर बी। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑब्वियस सी बात है सबको इनका नाम पता है, लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। मॉन्टेग चेम्स फॉर रिफॉर्म कब लागू हुई थी, किस पे आधारित थी ये? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे आधारित थी, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आंसर तो ये सही है लेकिन मैंने इसको उल्टा बोल दिया। इसका आंसर ये हो जाएगा कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी 1919 में, इसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था।